हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे फलाहारी उपमा, जिसे व्रत में भी खाया जाता है। तो आधा कप हमने मोरधान लिया है, जिसे सांभा भी कहते हैं। तो इसे हम लो फ्लेम पर 5 से 7 मिनट के लिए पका लेंगे। उसके बाद हम क्या कर लेंगे, पहले नारियल की चटनी तैयार कर लेते हैं। तो हमने 2 हरी मिर्च ली है और 1 कटोरी कच्चा नारियल लिया है। तो हम दोनों को मिक्सी जार में डाल देंगे। साथ में इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। तो हमने सेंधा नमक लिया क्योंकि हम व्रत की चटनी बना रहे हैं, और इसे अच्छे से पीस लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर हमने बिल्कुल महीन पीस लिया है। अब हम इसमें 5 से 7 चम्मच के करीब दही डाल देंगे और इसे एक बार चला लेंगे। तो हमने इसे एक बार चला लिया है। तो लीजिए, हमारी चटनी बन गई है। अब हमें इसमें सिर्फ तड़का लगाना है। तो तड़का लगाने के लिए हमने एक पैन गरम कर लिया है, उसमें थोड़ा ऑयल डाल दिया है। साथ में हमने इसमें थोड़े राई के दाने डाल दिए हैं और थोड़े कड़ी पत्ते डाल दिए हैं। 1 से 2 मिनट पका लेंगे। तो हमारा तड़का अच्छे से पक गया है। तो अब हम इसे चटनी में डाल देते हैं। तो लीजिए, हमारी चटनी बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम उपमा बना लेते हैं। तो एक कढ़ाई में थोड़ा ऑयल गर्म करके उसमें डाल दिए थोड़े मूंगफली के दाने, थोड़ी काजू, और इसे हम फ्राई कर लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर। तो 1 से 2 मिनट हो गए हैं, हमारी काजू अच्छे से फ्राई हो गई है। तो हम क्या करेंगे, इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो हमने इन्हें प्लेट में निकाल लिया है। उसी कढ़ाई में ऑयल गर्म करके उसमें डाल दिए थोड़े राई के दाने, थोड़े कड़ी पत्ता, 4 से 5 कटी हुई हरी मिर्च, और इसे 1 मिनट के लिए चला लेंगे। अब हम इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। हमने सेंधा नमक लिया है, हम व्रत का उपमा बना रहे हैं। तो इसे चला लेंगे। 1 मिनट चलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 1 कटा हुआ टमाटर। टमाटर को अच्छे से पका लिया हमने 2 मिनट के लिए। अब हम इसमें मोरधान डाल देंगे जो हमने सेक के रखा है, और इसे अच्छे से मिला देंगे। 2 मिनट मिलाने के बाद हम इसमें डाल देंगे पानी। तो पानी हमने 1 कप लिया है। आधा कप हमने मोरधान लिया था, 1 कप पानी ले लिया है। तो पानी हमें कम लग रहा था तो आधा कप पानी और डाला है। कुल मिलाकर 1.5 कप पानी डाला है हमने आधा कप मोरधान में। तो अब हमारा उपमा अच्छे से पक गया है। तो हम इसे चला देंगे। हम अब पकाते पकाते 5 से 7 मिनट हो गए, लो फ्लेम पर पका रहे थे हम इसे ढककर। तो ये अच्छे से पक गया है। अब हम इसे चेक कर लेंगे और ऊपर से डाल देंगे फ्राई काजू और मूंगफली के दाने और मिला देंगे। साथ ही हम इसमें डाल देंगे कटा हुआ हरा धनिया। तो लीजिए, हमारा उपमा बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम इसे मिक्स कर देते हैं। तो हमने अच्छे से इसे मिक्स कर दिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। बहुत ही टेस्टी उपमा बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने एक बार बना के खाया ना, तो गारंटी है मेरी आप हमेशा इसी तरीके से बनाएंगे, क्योंकि बहुत टेस्टी बनना है। और नारियल की चटनी के साथ तो इसका स्वाद 2 गुना हो जाता है। तो बस, मैंने नारियल की चटनी भी तैयार कर ली है और हमारा उपमा भी बनकर तैयार है। तो खाओ, पियो, मौज करो। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे चैनल पर ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। जब तक बने रहें चैनल पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।